7:30 बज गए हैं। 7:30 बजे जो जब मैं सोया करती थी कभी, और उस टाइम पर मैं उठ चुकी हूँ। और ये बाहर सुबह सुबह सनराइज होते हुए कितना मस्त लग रहा है। आज सुबह थोड़ी बारिश भी हुई है, लेकिन मौसम इतना ठंडा नहीं लग रहा। ये देखो सुबह गाड़ी में ऐसे ओस पड़ी होती है, गाड़ी का वो दिखाते हुए नज़ारा। वाह, मतलब यहाँ पे लाइफ क्या है ना, एकदम ऐसा लगता है थम सी गई है। उसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये भी है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, तो मैं सोशल मीडिया से इतना दूर हूँ। मेरा बर्थडे भी था और मैं कुछ पोस्ट भी नहीं कर पाई, कोई फोटो नथिंग, क्योंकि बर्थडे वाले दिन यहाँ पहुँच गई थी। रात को सफ़र में कुछ पोस्ट नहीं किया, सबने बाद में विश किया, बट हाँ जिनको पता था और फेसबुक अलर्ट वगैरह आजकल तो होते हैं तो पता चल गया था। हाँ जी क्या नाम है आपका? संतोष। क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी उठ जाते हो आप? फिर पूरा दिन क्या करते हो? फिर नहीं कुछ तो क्या करो। संतोष आपको क्या करना अच्छा लगता है? फिर नहीं कुछ तो अच्छा लगता होगा, डांस, गाना अच्छा लगता है? गाना कोई गाना गा के सुनाओ। क्या हुआ सुनाओ ना, नहीं गाना बाय। तो हाँ मैं कहाँ थी, ये बच्चा मुझे कब से देखा जा रहा है। फिलहाल मैं मॉर्निंग एंजॉय करती हूँ, सनराइज हो रहा है तो इसको फील करती हूँ। तो पंकज जी उठ चुके हैं, ठंड लग रही है मुझे तो, इतनी ठंड लग रही है मुझे कल से लग रही है। बॉनफायर के मजे लेते हुए, जो कि इसके बिना गुजारा ही नहीं। यहाँ पे सुबह और शाम में तो इतनी ठंड होती है, दिन में तो भी इंजॉय, धूप वगैरह ना। गांव की लाइफ ही होती है ना। और सिग्नल भी नहीं आ रहे तो बिल्कुल ही ऐसे कट ऑफ से हुए पड़े ना, और नॉर्मल लाइफ से। कल रात को नींद आई है ज़माने बाद, और सुबह 6:30 बजे मैं उठी हूँ। और नॉर्मली हम 6:30 बजे मैं सोती हूँ, पंकज तो और भी लेट सोता है, 7:30, 7 बजे, 7:30। जो लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, तो एक दो दिन में तो तुम नहीं चेंज कर सकते ना अपने आप को। तो देखो हम सनराइज सनसेट के लिए इतना तरसते हैं, यहाँ पे नॉर्मल है गाँव में, ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं, चिड़ियाँ घूम रही हैं, उड़ रही हैं, एवरीथिंग इज नेचुरल, नेचुरल हवा, पानी। ये जो बॉनफायर और चाय का जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे रोज चाहिए सब। ऐसा क्यों चाहिए तुम्हें? तो दिस इज डे नंबर 2। मॉर्निंग में मैंने वीडियो बनाई थी जब मैं जल्दी उठ गई थी, और उसके बाद मैं नहीं सो पाई, और पंकज जो हैं वो दोबारा सो गए। अब तीसरी बार भी शायद सोने वाला हूं मैं। भगवान सबको ऐसी नींद दे कि जो 2-3 बार सो जाए, और मेरी जैसी नींद किसी को भी ना दे। सो एनीवेज अभी हम जा रहे हैं गर्जिया मंदिर। तो गर्जिया मंदिर में ऑलमोस्ट 3-4 बार जा चुकी हूँ, और बहुत ही फेमस है यहाँ पे वो गर्जिया मंदिर, और बहुत मान्यता है
वहाँ पे जो जाता है और जो मांगता है उसे मिलता है, और हमें भी मिला है। मैंने इनको मांगा था और ये पता नहीं मिल गए मुझे। तो अब हम अब आए हैं इस बार, तो दोबारा ऑब्वियसली जाना है, माता का है मंदिर तो ऑब्वियसली जाना है। तो हाँ, हम वेट कर रहे हैं मम्मी और मौसी का, जो कि तैयार हो के आए तो नहीं ना, जो कि आने वाली है, और वी आर वेटिंग फॉर देम। जैसे भी आएगी हम चलेंगे। टाइम कितना हो रहा अभी फिलहाल? 10:45। लेट मी सी, या इट्स 10:45, लेट हो गया यार। बिल्कुल तुक्को लग रहा है। 44 था मतलब, लेकिन 45 लगा लूं। मेरा ये मैंने आज पहली बार ये लगाया है आईज पे, अच्छा लग रहा है ना? लुक्स गुड, है ना? फॉर अ चेंज। यस, ये तो वहीं नहाएंगे, मैं तो मैंने नहा लो के अच्छे से आई हूँ। ये वहाँ पे कोशी रिवर कहते हैं उन्हें, तो कोशी रिवर में ये नहाएंगे ठंडा ठंडे पानी से। मैं तो गर्म पानी से नहा के आई हूँ। तो चलो, फर्स्ट एक्सपीरियंस है तुम्हारा कोशी में नहाने का? मैं बहुत अच्छा स्विमर भी हूँ। बस वहाँ पे यार वो ना हो, क्यों ना हो, लंबी और ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, सो सुबह मेरे को नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गई थी, बट आई एम ओके नाउ, आई एम चार्ज। अब हम जाएंगे थोड़ा घूमेंगे ना, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, है ना? तो मुझे तो ऐसा हो रहा था कि बस नींद नहीं पूरी हो रही, बट इट्स फाइन, होता है कभी कभी। तो ये मेरी मौसी और ये मेरी मम्मी। हेलो। तो हम गर्जिया मंदिर जा रहे हैं। अब मुझे बताओ ना मम्मी, गर्जिया मंदिर की मान्यता? मान्यता ये है, जो सच्चे मन से जाता है, जो कुछ मांगता है वो मिलता, और फिर वो जो तुम देने देने के लिए बोलोगे वो तुम्हारे को देना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसके बाद जो चीज तुम मांगोगे उसको तुम तो ये मिल जाएगा। ये भी बोलना होता कि हम ये दे, कि हमारा ऐसा हो जाएगा तो हम आपको ये चढ़ा के जाएंगे। कोई भी चीज, कोई अपने दिमाग में कोई भी चीज अच्छी जैसी तुमको लगती है जो, उसको आप बोलो कि भैया ऐसा है, है माता गर्जिया देवी, तो हमारे को ये चीज मिल जाएगी, ये चीज हमारे हो जाएगी। अच्छा। और हम ये तुम्हारे को चढ़ा के जाएंगे, दोबारा आएंगे। अच्छा, इधर से जाना है, इधर से, इधर से। अच्छा, अभी हम बस 2 मिनट में आ गए। तो माता कौन सी है? वो गर्जिया माता। हाँ, गर्जिया माता, गर्जिया माता है, और चौफुला माता भी बोलते हैं। अच्छा। और जो हमारे को ये चीज मिल जाएगी, ये चीज हमारी हो जाएगी, आगे क्या करना है तुमने अपने सच्चे दिल से, वो आप चढ़ा के आना पड़ेगा। मनोकामना पूरी, हाँ, हमारी मन की तमन्ना जो है पूरी हो जाएगी, हम तुम्हारे को ये चढ़ा के आएंगे, सच्चे मन से जाओ। और मंदिर अपने आप बना था वो चोटी पे? नहीं, मंदिर तो बनाया था, उसमें एक हाथ बह के आया कहीं दूर से। अच्छा। इसलिए उन्होंने फिर इसका पूरा मंदिर है बेताल घाट। अच्छा। इसकी स्थापना यहाँ पर आ गई, स्थापना यहाँ पर आ गई, मतलब वहाँ पर हो गई वो चढ़ाई में, इतनी खुशी आती है वो ऐसे, इतनी ऊंची चोटी पर रुक गया, शक्ति तो है इसको, इतने पहाड़ टूट के आ जाते हैं। हाँ वही तो। हाँ, वो इतनी चोटी पे अपने आप, वो तो अपने आप बना है ना, वो छोटी सी तो जो चोटी अपने आप बनी है, वो बनी है, बाहर से बना रखा है लोगों ने, वैसे वो अपने आप खुद है पहाड़ों में। तो ये माता की यही मन्नत, दूर दूर से लोग आते हैं, आते हैं ना, दूर से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। चलो आज दिखाते हैं हम। माय गॉड, आज बहुत ज़्यादा ही लोग हैं और बहुत ही भीड़ हो रही है, बिकॉज इट्स संडे। तो
मैं क्लोजअप दिखाती हूँ रुको। क्लोजअप ज्यादा नहीं है बट ये जो पूरा रास्ता है ना उसमें तो है लोग। हाँ चलती हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी बार आई ना 3-4-5 इतनी भीड़ कभी नहीं मिली मुझे। गरम गरम हलवा